नमस्कार, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं दानेदार और खिला खिला सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ। आज हम देखेंगे दानेदार खिला खिला सूजी का हलवा कैसे बनाया जाता है। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है, ये मोटी सूजी का यूज़ किया है, और आधा कप देसी घी। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी से हलवे का टेस्ट बहुत बढ़कर आता है और हम इसे भून लेंगे। सूजी को हम मीडियम से लो फ्लेम पर भूनेंगे। लो फ्लेम पर भूनने से सूजी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा और दानेदार खिलकर आता है। साथ ही हम इस हलवे के लिए चाशनी बना रहे हैं। हमने एक कप सूजी के लिए 3 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है। साथ ही इसमें हमने आधा चम्मच इलायची डाली है और हम इसमें चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे। इसमें उबाल आने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए, उबाल आ गया है इसमें। अब ये चाशनी तैयार है। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी घोलनी है और उबाल लाना है, क्योंकि जब हम चाशनी डालते हैं हलवे में तो इससे दाना बनकर आता है। अगर हम डायरेक्ट चीनी डाल देंगे तो उससे दाना हलवे का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। शुरू में आंच को हम लो रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी फ्लेम बढ़ाते रहेंगे। देखिए, थोड़ा भुन गया है। अब मैंने थोड़ा सा गैस का फ्लेम हल्का सा तेज कर लिया है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, और थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है। जितना लो फ्लेम पर आप इसे भूनेंगे हलवा, उतना खिलकर और दानेदार बनकर आएगा। जब ये हलवा, देखिए सूजी भुन गई है अब, तो साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने अलग से ड्राई फ्रूट्स घी में डालकर नहीं भूने हैं। सूजी के साथ ही करीब 1 मिनट चलाकर लास्ट में जब सूजी भुन जाएगी तो इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे। जब ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे तब हम इसके बाद जो हमने चाशनी तैयार की है उसे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके डालेंगे। देखिए, भुन गई है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं। सूजी का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, रेडिश पे आ गया है हल्का सा। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके उस चाशनी को डालेंगे जो अभी बनाई थी हमने, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हम लगातार इकट्ठी नहीं डालेंगे चाशनी को एक ही बार में, थोड़ा थोड़ा करके सूजी के फूलने देंगे ताकि उसमें दाना बना रहे और हलवा हमारा बिल्कुल खिलकर आएगा। देखिए, अब थोड़ा भून गई है। अब हम थोड़ा सा और चाशनी इसमें मिलाई है। इसी तरह से करीब 1-1 कप चाशनी को हमने 3 बारी में डाला है। इस हलवे को बनाते हुए इसका मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान में रखें। इसमें 1 कप सूजी है, 1 कप चीनी है, 1/2 कप घी है और 3 कप पानी। अगर आप इस मेजरमेंट के हिसाब से हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, खिला खिला और दानेदार बनेगा। देखिए, हलवा बन गया है। अब इसे थोड़ा सा और हमें बस भूनना है, थोड़ा ये खिल जाएगा। हमें इस कंडीशन तक ही इसमें डालना है पानी। इसका मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान रखें तो हलवा बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। किसी भी त्योहार पर, किसी भी सेलिब्रेशन पर हम सूजी का हलवा बनाकर खाते हैं। देखिए, हलवा बन गया है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा हलवा बना है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने अंदर डाले थे और कुछ इसकी गार्निशिंग करेंगे। हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवे से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें।
सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।